जिस तरह के मुद्दा है, कई ऐसे बातें हैं जो सरकार किस तरह से चल रही है, जो अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं वो भी बताना चाहूँगी। क्योंकि सरकार 4.5 साल पूरा करने को आए, और इसमें जो भी ये इंडिया गठबंधन की टीम, JMM, कांग्रेस की सरकार, कई वादे किए थे चुनावी क्रम में। इतने वादे किए थे कि कोई भी वादे आज का डेट में बता दे कि ये वादों को पूरा किए गए हैं, जनता के सामने समक्ष जो रखें, ऐसा कोई वादे आज तक पूरा नहीं किया गया सरकार ने। और यार अभी के दरमियान में देखा जाए तो कई नए इस तरह की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं पब्लिक के सामने, प्रलोभन को, क्योंकि वोट की जो ये है राजनीति है पूरे तरह से। आप सरकार चाह रही कि वोटर्स को किस तरह से प्रलोभन दे कर करके वोट को बटोरने का काम इन लोगों ने करना शुरू नहीं, कर भैया दिया। सम्मान योजना जो भी शुरू हुआ है सरकार का, इसको कैसे देख रही हैं आप? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना शुरुआत के दौर में ही महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार? सबसे पहले बात, महिलाएं क्या बेवकूफ़ हैं? आदिवासी महिला, चाहे कोई भी जाति वर्ग के महिला, क्या समझ करके रखी 1,000 का प्रलोभन दे करके? 1,000 आज के समय में क्या है भाई? 1,000 क्या रकम है? इतनी महंगाई है और 1,000 का प्रलोभन दे कर करके भाग दौड़ मचवाना, ये कहाँ से सही है? अभी 2 ही दिन हुआ कि 3 ही दिन हो रहा है आज समय, क्या देख रहे हैं हम? ब्लॉक में जा रहे हैं आप, दौड़ाम भगा शुरू हो गया है, दौड़ाम भगा कर रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, सर्वर डाउन है तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसके लिए 1,000 रुपये के लिए महज महिलाओं को क्या भिखारी समझ करके रखी है सरकार? इतनी ही है महिलाओं की कीमत कि आप इसी 1,000 रुपया में गुजर बसर करें और इसी के लिए महीना भर आप बस ब्लॉक का चक्कर काटते रहे, और ऊपर से आपने उनके लिए बिचौलिया भी दे दिया है, भाई बिचौलिया भी कुछ लूट ले, तो ये क्या है? ये और क्या एक गारंटर तरह पर से उतरेगी या केवल ये अभी? कुछ भी नहीं, इन बस ये 2 और 3 महीना के बीच में वोटर्स को हम कह रहे हैं ना, प्रलोभन करने का एक योजना बना दी है इन लोगों ने। और दूसरे तरह से इन लोगों का ये भी कहना है कि अगले बार अगर सरकार आई तो 1 लाख रुपया हर एक परिवार को दिया जाएगा। जिस तरह से ये मैया योजना है ये चल रही है, तो उसको भी क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि सरकार तो चल रही है, सरकार तो चल रही है ना, ये बड़ा प्रलोभन है। आगे के लिए भी इन लोग ले करके रखे हैं कि भाई इतना दे रहे हैं तो वो 1 लाख रुपया को आगे भी देखें, 1 लाख रुपया है सरकार बना ले, वोटर्स पूरा यहाँ पर पूरा चक्कर मार करके वोट दे दें। देखिए घुसपैठी का जो मामला है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये पूरी तरह से ये आज के डेट में संथाल परगना को पूरा कब्जा कर लिए हैं। वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ की जो मौजूदा सरकार ये मान ही नहीं रही है, सिर्फ केंद्र सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है। लेकिन राज्य सरकार क्यों नहीं इसको अपने संज्ञान में ले रही है? राज्य सरकार किसी भी तरह से जांच करने को भी तैयार नहीं है। इरफान अंसारी का कहना था कि BSF जो है कि क्या यहाँ युद्ध तो नहीं चल रही है? घुसपैठी साइलेंटली घुस रहे हैं। अब पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा तो नहीं है कि वहाँ पर सीमा में हम सीमा बल को, मतलब BSF के जवान को खड़े कर दे, वैसे स्थिति तो नहीं है, लेकिन ये लोग नीपापोती करने पर लगे हुए हैं, अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ही शातिर काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दे और हम साइलेंटली चुपचाप बैठ जाएं। विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रही है, या फिर क्या कारण है? कि बिल्कुल विधि व्यवस्था भी पूरा चौपट है, दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ हो रही है, लूटपाट हो रही है, गोलियाँ चल रही है, रांची में भी, बोकारो में भी, गुमला में भी, देखिए डकैती हो रही है, बैंक की लूट हो रही है,
जेवरों की दुकान की लूट हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है, मतलब लुटेरा जो है कि पूरा बेखौफ है। हम तो कहेंगे कि सरकार ही सराय दे करके रखे हैं, पकड़ भी रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों को पीछे से छोड़ भी दे रहे हैं भाई, पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम पुलिस बल जो है कि पकड़ भी रहे हैं, समय पर मिल भी जा रहे हैं। क्या मामला है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विधि व्यवस्था तो पूरे तरह से ओपी चरमाई हुई है।